नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज आपके सामने दो मुद्दे हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा यही तो बोल रही हैं कि मेरा भाई एक शहीद का बेटा है और तुम मेरे भाई को देशद्रोही बता रहे हो। और मुद्दा नंबर दो, मुरादाबाद में जाकिर नाम का व्यक्ति अपने 25 दोस्तों के साथ नमाज अदा कर रहा था, उसे रोक दिया गया। क्यों? कुछ देर बाद। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की। हम आज आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। और जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती की बात करते हैं तो यहां सिर्फ एक अकेला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था ना, एक अकेला सब पर भारी। नहीं साहब, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री के साथ उनके तमाम मंत्रियों की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, हम तमाम एजेंसीज की बात करते हैं, हम ईडी की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, एनआईए की बात करते हैं, हम उनके नफरती प्रचार तंत्र की बात करते हैं और हम उनकी गोदी मीडिया की बात करते हैं जो 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार करता है और विपक्ष को बदनाम करने की काम करता है। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के सामने यह चुनौती है। और बापू की समाधि से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भावात्मक अपील की। उन्होंने याद दिलाई उस दिन की जब राजीव गांधी की शव यात्रा निकल रही थी। उन्होंने बताया किस तरह से जिस गाड़ी के अंदर वो और उनके भाई बैठे हुए थे, राहुल ने उस गाड़ी को रोका और वो शव यात्रा के पीछे चलने लगे। किस तरह से उन्होंने इस मंजर को बयां किया, मैं चाहूंगा कि आप उनकी ये भावात्मक अपील, ये भाषण जरूर सुने। सुनते हैं। यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं, तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। प्रियंका गांधी वाड्रा यही कह रही हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति पर निशाना साध रहे हो जो एक शहीद का बेटा है। और तुम सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं रुकते, तुम राजीव गांधी पर हमला बोलते हो। सोनिया गांधी को बीजेपी नहीं बख्शती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर नेहरू सरनेम पर फब्ती कसी थी और मोदी सरनेम पर बयान देने को लेकर राहुल गांधी को न सिर्फ 2 साल की सजा हो जाती है बल्कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खारिज हो जाती है। यह बात प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में बापू की समाधि से कैसे रखी, मैं चाहूंगा आप लोग सुने। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है।
मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि अगर आप सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल करें, एजेंसीज का इस्तेमाल करें, तो गांधी डरने नहीं वाला, गांधी डरा नहीं करते। चाहे जितनी भी जोर आजमाइश कर लो, हम नहीं डरेंगे, बकौल प्रियंका गांधी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज कार्यक्रम का यह भी मकसद था कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगी। मैं आपको बतला चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या ताकत है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से आप गोदी मीडिया को हटा दें, उनके प्रचार तंत्र को हटा दें, और सबसे बड़ी बात ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को हटा दें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कुंद हो जाती है। मगर क्या वाकई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें चुनौती दे पाएंगे? दोनों की बात हम करेंगे सलीके से। सबसे पहले भाषण शैली की बात करते हैं। दोस्तों, जहां तक भाषण देने की बात है, आप जानते हैं कि इस देश की जनता भाषण से जो है वो इंस्पायर हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। तो अगर भाषण शैली की बात करें तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की भाषण शैली राहुल गांधी से बेहतर है। हिंदी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ज्यादा सहज, नेचुरल, स्वाभाविक दिखाई देती हैं। राहुल गांधी कभी कभी हिंदी में अटकते हैं, हालांकि वो जुनून से अपनी बात कहते हैं और प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा जुनून से, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा में एक स्वाभाविक अंदाज है जो राहुल गांधी में नहीं है। और इसलिए अगर भाषण शैली की बात करें तो प्रियंका गांधी उनसे बेहतर साबित होती हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की। तो अगर हम मुद्दों पर बने रहने की बात करें तो राहुल गांधी लगातार मुद्दों पर बने रहते हैं। वो कोरोना के दौरान कोरोना की बात करते हैं, चीन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री पर उनके हमले लगातार जारी रहते हैं, आरएसएस पर उनके हमले लगातार जारी रहते हैं, गौतम अडानी पर इतने हमले वो लगातार करते रहते हैं, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाकर।
इस वक्त मौजूदा राजनीति में आपको राहुल गांधी जैसा कोई भी राजनेता नहीं दिखेगा जो प्रधानमंत्री पर भी हमला बोलता हो, आरएसएस पर भी हमला बोलता हो और गौतम अडानी पर भी हमला बोलता हो। शायद ही ऐसा कोई राजनेता दिखाई देगा। तो मुद्दों पर बने रहने के लिए, मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोलने को लेकर राहुल गांधी अपनी बहन से बेहतर साबित होते हैं। और हम यह ना भूलें कि प्रियंका गांधी वाड्रा कभी कभी सुविधावादी राजनीति करती हैं। मसलन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तब वो बहुत सक्रिय थी, मगर जैसे ही यूपी के चुनाव गए वो भी गायब हो गई। हार के बावजूद, करारी शिकस्त के बावजूद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया। तो इसलिए राजनीति में उनकी भागीदारी शर्तों के साथ है और इस लिहाज से राहुल उनसे बेहतर हैं। और यह ना भूलें एक तीसरा पहलू है, वो है दोनों की व्यक्तिगत छवि। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम जुड़ा है और जैसे ही उनका नाम उनके पति से जुड़ता है, जो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर उन पर हमला बोलना शुरू कर देती है। ये ना भूलें 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी ने बाकायदा दामाद नामा करके एक पूरी राजनीति की थी रॉबर्ट वाड्रा के कथित भ्रष्टाचार पर हमला बोल के। ये बात अलग है दोस्तों कि 9 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया। भाई अगर रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचारी थे तो कम से कम एक चार्जशीट तो तैयार करना था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो भ्रष्टाचार में कुछ नहीं मिला या दूसरा आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गलत बयानी कर रहे थे शुरू से, या फिर तीसरी संभावना, क्या पर्दे के पीछे रॉबर्ट वाड्रा और बीजेपी के बीच में कोई समझौता हो गया है जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले लेकर अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला किया जाता है, यह तय है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो यह तुलनात्मक अध्ययन सामने आता है। तो इससे एक बात तय हो जाती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अगर ये साथ मिलकर मुकाबला करें तो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं और फिर पूरी पार्टी उनके पीछे भी आ जाएगी। मगर यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। कांग्रेस की ताकत उसके क्षेत्रीय नेता भी हैं, मसलन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, इसी तरह से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। अगर उन्हें लगता है कि बगैर इन क्षेत्रीय नेताओं के, और ये ना भूलें कर्नाटक में सिद्धरमैया जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर कांग्रेस मुकाबला करना चाहती है तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरों पर यह मुकाबला नहीं हो सकता, उसे अपने क्षेत्रीय नेताओं की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही नहीं, न्यूज चैनल्स में डिबेट करने वाले उसके जो प्रवक्ता हैं, चाहे सुप्रिया सुनेत हो, पवन खेरा हो या फिर जयराम रमेश हो, इन तमाम प्रवक्ताओं की ताकत और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी का करिश्मा जब ये मिल जाएंगे तो वो बीजेपी से मुकाबले की स्थिति में रहेगी, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब हम रुक करना चाहेंगे दोस्तों आज के दूसरे मुद्दे का, मगर इससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो मुसलमान हैं उन्हें रमजान की मुबारकबाद। और दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई है। जाकिर नाम का एक व्यक्ति मुरादाबाद के लाजपत नगर में अपने गोडाउन में, किसी दूसरे के गोडाउन में नहीं, अपने 20 से 25 दोस्तों के साथ नमाज अदा करता है जिसे तरावीह की नमाज कहते हैं। तभी बजरंग दल वहां पहुंचता है और वो ये कहता है कि ये लोग कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, कोई नई चीज कर रहे हैं, बवाल कर देते हैं दोस्तों। पुलिस आती है, नमाज को रोक देती है और कहती है कि आप अपने घरों में नमाज दें, अपने मस्जिदों में नमाज दें। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि बजरंग दल का ये कार्यकर्ता दरअसल क्या कह रहा है, सुनिए। आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है, उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है।
जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। बजरंग दल का एक कार्यकर्ता कह रहा है कि कोई नई चीज हो रही थी। सबसे पहली बात, जब भी रमजान का महीना आता है तो तरावीह की नमाज अदा की जाती है, कोई नई बात नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात, जाकिर अपने ही गोडाउन में, जो उसका अपना है, अपने 25 से 30 दोस्तों के साथ नमाज अदा कर रहा था। वो ये भी नहीं कह रहा था हिंदुओं आओ हमारे साथ नमाज अदा करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। वो सड़क पर भी नमाज नहीं अदा कर रहा था, मगर उसे रोक दिया गया। न सिर्फ उसे रोका गया बल्कि पुलिस भी बजरंग दल का साथ दे रही थी। क्या वो किसी को मजबूर कर रहा था कि वो नमाज ना अदा करे, या उसने नवरात्रि की भजन संध्या में किसी तरह की कोई खलल डाली? नहीं डाली। मगर बावजूद इसके जाकिर को रोका गया, उसके 20 से 25 दोस्तों को रोका गया। हो सकता है कि जाकिर अपने गोडाउन में इसलिए नमाज अदा कर रहा था क्योंकि उसका घर छोटा रहा होगा, इसलिए वो अपने गोडाउन में नमाज अदा कर रहा था। तो ऐसे में मैं मुरादाबाद पुलिस से जानना चाहता हूं कि जाकिर ने क्या गलत किया। जिन लोगों ने उसे रोका, कहीं ना कहीं उन्होंने इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर हमला किया है, उन्होंने इस देश के संविधान पर हमला किया है जो आपको धार्मिक आजादी की बात करता है, अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसरण की बात करता है, मगर तुमने जाकिर और उसके दोस्तों को रोक दिया। क्या यह जायज था? बिल्कुल नहीं, मगर तुमने ऐसा किया, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। यानी कि मुरादाबाद पुलिस ने धर्मनिरपेक्षता का अपमान किया, देश के संविधान का अपमान किया। बजरंग दल तो चलिए मान लीजिए अपनी राजनीति, अपनी नफरत के चलते ये तमाम चीजें करता रहेगा, मगर कम से कम पुलिस को तो न्याय के कानून के हिसाब से चलना चाहिए ना, देश के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। पुलिस की क्या मजबूरी थी? यानी कि पुलिस भी अराजकता मचाने वाले गुटों के सामने मजबूर है। जाते जाते मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। आप जानते हैं जहां मैं रहता हूं कल दिन भर नवरात्रि के भजन गाए जा रहे थे। हमारे आसपास ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत खराब है, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, भजन लहरी भजन गाए जा रहे थे, कोई बात नहीं, नवरात्रि का पावन मौका है, भजन तो गाए ही जाएंगे ना, मगर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। लोगों के मां बाप की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी नहीं की। मगर अगर एक मुसलमान अपने 25 दोस्तों के साथ नमाज अदा कर रहा है तो वो गुनाह कैसे हो गया भाई? मेरा धर्म तो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तुम ये बातें कैसे भूल गए? दोस्तों, मैं तो आपके सामने मुद्दे रखते रहूंगा क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, मैं अपने धर्म के सही मायने समझता हूं और मैं दूसरों के धर्म का भी सम्मान करता हूं। मैं तो ये कहते रहूंगा और रुकने नहीं वाला हूं। आपको सोचना होगा कि इस नफरत के चलते आप अपना क्या हश्र कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। और वो गाना है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहे ईश्वर में विश्वास करते हो या अल्लाह में विश्वास करते हो, आपकी इस नफरत का इलाज हो। ईश्वर और अल्लाह आपको सम्मति दें, सद्बुद्धि दें। बात आई समझ में? नमस्कार।